अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल सागू कोकोनट कस्टर्ड। ये हमने सागुदाना लिया है 100 ग्राम। इसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। ये हमने देखचे में पानी उबालने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे सागुदाना 100 ग्राम। साबुदाने को हम उबाल लेंगे। ये हमारा सागुदाना उबल गया। अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। अब हम देगचे में दूध ऐड करेंगे 2 कप यानी 400 ml। अब हम इसमें ऐड कर देंगे साबुदाना जो हमने उबाला है। अब साबुदाने को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी यानी 100 ग्राम। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं और इसको हम 5 मिनट तक पका लेंगे। ये 5 मिनट हो गए हमें पकाते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क 400 ml यानी 2 कप। अब दोबारा इसको उबाल आने तक हम पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कस्टर्ड पाउडर हमने लिया 2 टेबलस्पून। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर मिक्स कर लेंगे। ये कस्टर्ड पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने कस्टर्ड ऐड करके मजीद 2-3 मिनट पका लिए। ये थिक हो गया। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये सागू कोकोनट कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मिक्स फ्रूट है 1 पाव ये टिन वाला और 1 अदद हमने आम लिया उसको भी हमने काट लिया क्यूब्स में। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने फ्रूट को मिक्स कर लिया। अब हम सर्व करते हैं। ये हमारा सागू कोकोनट कस्टर्ड रेडी हो गया। बहुत ही मजे का बना है। ईद पर जरूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।